नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल विनय आरपी में। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर हमारा 2020-21 से चल रहा है, अगर आपने आज तक अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करवाया है, या सॉफ्टवेयर वेंडर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर रहा है, तो आपने ऑटोमेटिकली अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किस तरह से करना है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह के रिगार्डिंग जो भी हमारे चैनल पे लेटेस्ट वीडियोस वगैरह आती रहती हैं आपको मिलती रहें और आपके पास उनका नोटिफिकेशन आता रहे। ये अपडेट की सेटिंग जो है, अपडेट बोल लीजिए, या EXE को चेंज करना है, लेटेस्ट EXE लेनी है, कई भाइयों को नहीं करनी आती है, या हमारे सॉफ्टवेयर वेंडर कई कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वैसे तो आपको सॉफ्टवेयर वेंडर प्रॉपर आपको न्यू लेटेस्ट फाइल देंगे, नहीं देते हैं तो कुछ हो सकता है, रीज़न हो, आपका कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखेगा। अगर आपको किसी भी टाइप का कुछ इशू आता है तो आपने इसको अपडेट कैसे करना है या EXE कैसे चेंज करनी है उसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। ये जो सेटिंग है, फर्स्टली तो विंडो 7 में नहीं होती है, विंडो 7 में क्योंकि बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ने ही विंडो पीछे से बंद कर दी है, जो विंडो 7 है इस कारण विंडो 7 में ये फंक्शनलिटी नहीं चलती है। आपके कंप्यूटर में एक ये ऑटो अपडेट नाम की फ़ाइल होनी चाहिए। अगर आपके पास ये ऑटो अपडेट नाम की फ़ाइल नहीं है तो आपको मैं बता दूंगा कहाँ से आपने वो फ़ाइल लेनी है, उसके बारे में आपको आगे वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। वीडियो में बने रहिए। इस तरह की ऑटो अपडेट की फ़ाइल होगी, जिन भाइयों के पास ये ऑटो अपडेट की फ़ाइल है उनको तो पता ही है किस तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। बाकी मैं गाइड भी कर दूंगा किस तरह से करना है, हर बार नहीं ये सिस्टम करना है, सिर्फ वन टाइम के लिए करना है। अगर आपके पास EXE की डेट जो ओल्ड है, जैसे आप जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे ओनली 1+10 लिखा होता है, जब आपका कोई भी और सॉफ्टवेयर का नेम है, जैसे 1+10 है, यहाँ पे आपकी 12 जनवरी जैसे 23 है, तो लेटेस्ट है 2023 की फाइल, आपके पास 2020 की है, 2021 की है, लेटेस्ट फाइल जो लेनी है वो आपने कैसे लेनी है। जैसे अपने सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर हमारी ये ऑटो अपडेट की फाइल होनी चाहिए, ये हमारा सॉफ्टवेयर का फोल्डर है, इसके अंदर हमारी ये फाइल है। इसको मैं ध्यान रखना है कि 10 अप्रैल वाली होनी चाहिए। आपके पास अगर 14 मार्च वाली होगी ये फाइल सही नहीं है, 10 अप्रैल वाली ये हमारे पास ऑटो अपडेट की फाइल होनी चाहिए। इसको हम डबल क्लिक करके जी ओपन कर लेंगे, ओपन करेंगे थोड़ी सी हमारी प्रोसेसिंग लेगा। देखिए इस तरह से इसकी प्रोसेसिंग चलेगी। देखिए इस तरह से प्रोसेसिंग की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी, इस तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट होने लग जाएगा। विंडो नहीं बन के थे तो यहाँ पे आप नीचे इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हो, इसको ऊपर आ जाएगी, आपकी विंडो शो होने लग जाएगी। इसमें आपको जो भी लेटेस्ट फाइल होगी वो आपकी डाउनलोड होने लग जाएगी। कोई भी सॉफ्टवेयर आप हमारा यूज़ करते हो, 1+ है, टाइमर है, ई स्टोर है, मेडिकल का है, मंडी का है, किसी भी टाइप का अपना सॉफ्टवेयर, सेम वैसे ही अपना सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। जो ये ऑटो अपडेट की फाइल है, आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप चैट का लिंक मिल जाएगा जिस पे लिखा होगा 1+ सॉफ्टवेयर, उसको आपको हटा के लिख देना है कि सेंड ऑटो अपडेट फाइल। ऑटो अपडेट की फाइल आपको मैं भेज दूंगा, आपने वो फाइल को कॉपी करके अपने कंप्यूटर में डाल लेना है, ठीक है जी, यहाँ पे फोल्डर में डाल लेना है। ये प्रोसेसिंग सी थोड़ी सी होगी, तो आपने उसको काटना नहीं है, अपना माउस को साइड में ही रखना है। जैसे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है आपके पास फिनिश लिख के आ जाएगा, ओके फिनिश हो जाएगा, इसको हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास इस तरह से कुछ बन के आता है फाइल नॉट फाउंड का, तो आपने इसको क्विट कर देना है, नो इशू, ठीक है जी। करने के बाद आपने, आपके पास इस तरह से एक ERP फोल्डर नाम का एक फाइल बन के आ जाएगी। आपके कंप्यूटर में विनर आर जरूर होना चाहिए, विनर आर नहीं है उसके रिगार्डिंग अपने चैनल पे वीडियो बनी हुई है, आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आई क्लिक करके चेक कर सकते हो। विनर आर कंप्यूटर में जरूर डाउनलोड होना चाहिए इसको, फाइल को ERP फाइल होगी। अगर कोई अदर सॉफ्टवेयर होगा, जैसे टाइमर है उसका गोल्ड होगा, ठीक है, अपना ई स्टोर है उसका टाइमर नाम की फाइल होगी, सॉरी गारमेंट नाम की फाइल होगी। इस तरह से आपके पास लेटेस्ट डेट वाइज मॉडिफाइड करके रखा करिए, ताकि लेटेस्ट फाइल आपके ऊपर आ जाती है। इस पर हम राइट क्लिक करके इसको जी एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे। एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, अगर आपके पास इस तरह से पूछेगा येस टू ऑल, तो आपने येस टू ऑल कर देना है जी। और आपको यहाँ पे देखिए, जैसे ये मेरी 1+ की फाइल है और 1+ की ये दोनों फाइल हैं, इसको मैं, जो 1+ की मेरी पहले वाली फाइल होगी इसको मैं क्लिक करके चेंज कर दूंगा, रीनेम कर दूंगा 1 के साथ लास्ट में, और जो मेरी ये ERP की नई फाइल आई है इसको मैं क्लिक करके इसका भी रीनेम कर दूंगा, इसको जो मेरे सॉफ्टवेयर की फाइल का नेम है उसको मैं वही रख दूंगा। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, हम देखेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। देखिए 23 तारीख का आज की डेट का जो वर्जन है लॉन्च हो गया है। अगर आपके पास ऑलरेडी अपने कंप्यूटर में ऑटो अपडेट की फाइल डली हुई है तो आपने ये सिस्टम नहीं अपनाना है, सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए। अगर आपके पास ऑटो अपडेट की फाइल नहीं है, सॉफ्टवेयर का अपडेट नहीं मिल रहा है,
तो ये करना है, जैसे आपके पास ऑलरेडी आप सॉफ्टवेयर हमारा यूज़ कर रहे हो तो आपने अपडेट कैसे करना है, ऑटो अपडेट की फाइल डली हुई है तो इस पर क्लिक करेंगे, आप अपडेट सॉफ्टवेयर दबा देंगे, प्रोसेसिंग वैसे ही सेम चलेगी, वो जो फाइल नॉट फाउंड वाला एरर था वो नहीं आएगा, फिनिश पे करोगे डायरेक्टली आपके पास ये वाली विंडो खुल जाएगी, जैसे मेरे पास यहाँ से 23 तारीख दोनों आ जाएंगी और कंटिन्यू हो जाएगा और आपके पास सॉफ्टवेयर आपका बहुत ही बढ़िया वैसे चल पड़ेगा। इस तरह ही ये सेटिंग अपने सारे सॉफ्टवेयर में होती है, अगर आपने EXE चेंज करनी है या सॉफ्टवेयर अपडेट करना है इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये विंडो 7 के अंदर नहीं होती है। सो वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं, सो वीडियो को जरूर लाइक करके जरूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू जी, शुक्रिया।